اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما وما انتم أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا للبلاغ المبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته प्यारे बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 15 16 और 17 करेंगे और आपके सामने जो मैंने तिलावत की वो यही तीन आयत तिलावत की और हम देख रहे हैं कि एक क़स्सा है जो अल्लाह सुभान व ने मिसाल के तौर पे पेश किया है कि कैसे लोग इनकार करते हैं और फिर उनका क्या अंजाम होता है? आयत नंबर में, में फरमाते हैं, कौलू, उन्होंने कहा, माँ मगर बशर एक इंसान हमारी तरह व माँ और नहीं नाजिलकी और चीज इन नहीं अन्तुम तुम इल्ला मगर तखोन तुम झूठ बोलते हो अब हमने देखा था ना कि एक बस्ती पर अल्लाह ताला ने रसूल को भेजा और फिर दो रसूल भेजे और फिर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी बस्सी वाले ने तो अल्लाह ने तीसरा रसूल भेजा अब उसके बाद बस्सी वालों ने पता क्या जवाब दिया कौलू मा अंतुम इल्ला बशर उन्होंने कहा तुम तो हम जैसे इंसान हो उन्होंने रसूलों को मानने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा तुम तो हमारे जैसे इंसान हो और रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की है और तुम झूठ बोल रहे हो फरिश उन्होंने जो रसूल भेजे थे उन्होंने उनको कह दिया कि तुम झूठ बोलते हो तो आयत नंबर सिक्सटीन में देखे कि उन रसूलों ने क्या जवाब दिया कौलू उन्होंने कहा रबुना रब हमारा याम वो जानता है इन बेशक हम इलेक्कुम तरफ तुम्हारे लमो गुस्सा भेजे हुए हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे जो रसूल है वो बिल्कुल सुकून से जवाब दे रहे हैं उनको कोई बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा वो बिल्कुल भी जोर से नहीं बोल रहे बल्कि बड़े आराम से जवाब दे रहे हैं कि हमारा रब तो जानता है कि हम अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूल हैं क्योंकि वो सिर्फ़ रब की रज़ा के लिए करते थे ना वो सिर्फ़ अल्लाह की खुशी के लिए करते थे तो इसलिए उनको बिल्कुल उनकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि उन्होंने बता दिया कि हम तो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं और इस पर तो कोई शक ही नहीं है कि हम तो रसूल है और हम तो अल्लाह की तरफ से भेजें हमें तो हक पाक दे हक बात देनी है और आई सेवनटीन में वो क्या फरमाते हैं वमा और नहीं आलना हम पर इल्ला मगर अल अलबलागु पहुंचा देना अल मुबीन खुल्लम खुल्ला यानी वो अपनी ड्यूटी बता रहे हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है कि हमारा काम ये है कि हम आपको हक बात बता दें हम आपको सही बात बता दें जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है वाज तौर पर खुल्लम खुल्ला कोई भी उसमें शक की बात ना रहे कोई भी उसमें आपको ये ना हो कि ये अल्लाह की तरफ से है या इंसान अपनी तरफ से कह रहा है बल्कि हर चीज ठीक ठीक तरीके से अल्लाह लग को अल्लाह की बात आगे पहुंचा देनी है और इससे ज्यादा हमारी ड्यूटी नहीं है यानी हमारा काम पैगाम पहुंचाना है हम जब कुरान पढ़ते हैं जब अदीस पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि एक मैसेंजर का क्या काम होता है कि वो अल्लाह ताला की बात को पहुंचा देता है वो हक बात पहुंचा देता है लेकिन वो फोर्स नहीं करता किसी को कि अब आपने इसको ज़रूर अमल करना है अमल करना उस पर किसकी जिम्मेदारी है जिसको हक बात पहुँच जाए तो फिर वो उस पर खुद अमल करें ठीक है इसी तरीके से अब जब रसूलों का सिलसिला ख़त्म हो गया तो अल्लाह ताला ने कुरान ना जैसे हमें पता ही है कि कुरान नाजिल होने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी थे ना तो अब हम सब मैसेंजर हैं क्योंकि हम सब मुस्लिम हैं हम सब कुरान पढ़ते हैं तो हम सब मैसेंजर हैं और हमें क्या करना है हमें कुरान का पैगाम आगे पहुंचाना है हमें हक हाँ बात आगे पहुंचानी है हमें दुरुस्त बात आगे पहुंचानी है लेकिन हमने किसी को फोर्स नहीं करना हमने ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी पर किसी को जो है धक्के दे दे के जो है वो कोई काम नहीं करवाना बस जो अल्लाह का पैगाम है अल्लाह का मैसेज है वो कन्वे कर देना है और कन्वे करने के बाद बस पीछे हट जाना है उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना उनसे कोई बहस नहीं करनी क्योंकि ये मैसेंजर का काम नहीं होता आप देख रहे हैं ना हम हाँ मैसेंजर को क्या देख रहे हैं कि वो सुकून से बात सुनते हैं और सिर्फ बताते हैं कि हम तो अल्लाह के भेजे हुए हैं और हमारा काम मैसेज कन्वे करना है ठीक है बच्चों सुबह अशदु अल्लाह असता वतुब अलीक असल वरम्तुल्ला वरक